मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं एक ही सर्विस एंड फूड इक्विपमेंट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्राइड आइसक्रीम मशीन्स की स्पेसिफिकेशन और डिटेल्स बताऊंगा और आप कैसे आइसक्रीम रोल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर जो इसके व्हील्स हैं इस मशीन फ्राइड आइसक्रीम मशीन में। तो आप इन व्हील्स की हेल्प से इजिली मशीन को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर इजिली ले जा सकते हो और इसमें कोई सेकंड पर्सन का रिक्वायर्ड नहीं है। और इसका जो मेन है कॉप लैंड का कंप्रेसर है जिसकी 18 मंथ्स की वारंटी होती है आपकी। और इसके बाद जो मेन फंक्शन है आपका डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर और इसे सब जीरो भी कहते हैं। तो आप यहाँ से अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए आपके आइसक्रीम रोल्स बनाने के लिए। तो मैं आप दिखाता हूँ आपको कैसे। आप यहाँ से ब्लू वाली डाउन बटन दबाएंगे, उसके बाद आप यहाँ से ग्रीन वाली बटन को प्रेस करेंगे 5 सेकंड के लिए, आपको टेम्परेचर शो करेगा। और ये 25 था, ये देखिए 4 पे हो गया। मैंने अभी मशीन स्टार्ट की है आपके सामने। इसका जो फ्रंट जो पैनल है उसकी जो लेंथ क्या है जो आपके स्पेस के लिए रिक्वायर्ड है वो कस्टमाइज हो जाती है। इस मशीन की जो लेंथ है वो 36 इंचेस है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास एरिया कितना है मशीन को रखने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी कस्टमाइज होती है मशीन हमारे मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट में। उसके बाद जो इसका तवा साइज है वो 18 इंचेस का है स्क्वायर पे, जहाँ पर आप अपने आइसक्रीम रोल्स बनाएंगे अपने पेस्ट डाल के। और इसके साथ आपको पैंस मिल रहे हैं, 6 पैंस हैं जिसमें आप अपने इंग्रेडिएंट्स रखेंगे, जैसे आपका रो क्रीम हो गई या आप फ्रूट फ्लेवर यूज करना चाहते हैं अपने आइसक्रीम रोल्स में, जैसे एप्पल, मैंगो, फ्रूटी, चेरीज और बनाना, जो भी आप अपने आइसक्रीम रोल्स की रेसिपी यूज करना चाहते हैं और जो उनमें फ्लेवर ऐड करना चाहते हैं नेचुरली जो आपके कस्टमर्स को दिखाई दे उनके फ्रंट पे लाइव, तो वो इसके लिए बेटर ऑप्शन है। इसलिए आपके पास यहाँ पर 6 पैन है। इसके बाद जो इसकी विड्थ है वो 24 इंचेस है और इसकी जो हाइट है वो आपकी 35 इंचेस है। इसके बाद इसके अंदर आपके पास स्टोरेज एरिया है जहाँ पर आप अपना स्टोरेज में आप अपना पेस्ट और अपने और फ्लेवर्स रख सकते हैं जो भी आप अपने यूजर्स को देना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एरिया है आपके स्पेस के लिए। और उसके बाद आपको लॉकर है यहाँ पर, इस चाबी को आप डाउन करके घुमाएंगे तो ये आपका लॉक लग जाएगा। ये फीचर्स है इसके अंदर, बेसिक मॉडल्स में ये फीचर नहीं होता। और ये हैंडल है जहाँ से आप इजनी ओपन कर सकते हैं। और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था तो 4 टेम्परेचर था, अब आपका -5 डिग्री आ चुका है। आप इस पे आइसक्रीम रोल्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इस पे हल्की हल्की सी आइसिंग जमने भी लगी है। तो देख सकते हैं आप इस पे हल्की हल्की सी आइसिंग स्टार्ट हो गई है और ये अब -6 पे आ गई है। और एक बार मैं इसको आपकी पूरी बॉडी दिखाता हूँ राउंड घूम के, इसके चारों एरिया के फेस, तो आपको ज्यादा बेटर आइडिया लगेगा कि फ्रंट से मशीन देखने में कैसी लगती है फ्रंट और सारी साइडों से। इसकी डायमेंशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, 36, 24, 35 इंचेस। ये अब आपका टेम्परेचर आ गया है -16 डिग्री और ये है -17 और -19 डिग्री और -20 डिग्री पे आ गया है। इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 तक जाता है जो इसका लास्ट लेवल है 25 डिग्री तक। बट आप अपने आइसक्रीम बोल 7 और 8 डिग्री पर बना सकते हैं। और इसकी कुछ टेस्टिंग करने के लिए और यहाँ पर आपको इसके साथ स्क्रैपर्स भी फ्री मिल रहे हैं इस टॉप मॉडल के साथ। ये देखिए आप आइसिंग थोड़ी सी मोटी हो गई है, पहले जब -5 था तो आपकी आइसिंग हल्की हल्की थी। और अब मैं इस पे पानी डाल रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि -16 या 18 पे
आइसिंग कैसे स्टार्ट हो जाती है जमना। तो ये तो लिक्विड है तो इससे थोड़ा टाइम लगता है जमने में, पर आपका पेस्ट बहुत जल्दी जम जाता है। ये देखिए मैंने अभी अभी पानी डाला था और ये देखिए आपका आइसिंग स्टार्ट हो गई है, जम गया है। जो नीचे वाला एरिया था वहां पर बर्फ देख सकते हैं आप, वो चटकने लगी है साइड साइड से, क्रैक्स दिख रहे हैं आपको आइसिंग में। तो इस मशीन में आप बहुत ही इजीली विद इन 5 मिनट के अंदर अपने आइसक्रीम रोल्स बना सकते हैं। ये देखिए अब मैं अपने आप को जूम करके दिखा रहा हूँ, ये आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर आइसिंग काफी अच्छी तरीके से जम गई है विद इन अ फ्यू सेकेंड। तो ये बेस्ट है आपके आइसक्रीम रोल्स बनाने के लिए। अब मैं इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिखाता हूँ और साइड में इमेजेस भी चेंज होती जाएंगी आपका। तो सबसे पहले जो इसका डिजिटल टेम्परेचर है वो जाएगा आपका -25 डिग्री तक, और जो इसका तवे का साइज है वो आपका 18x18 का है। उसके बाद इसके अंदर लॉकर की फैसिलिटी भी है आपके लिए, और उसके बाद आपके पास स्टोरेज भी है इस मशीन के अंदर, और उसके बाद आपके पेंस हैं 6 जो है कि 1x9 के हैं। उसके बाद इसमें हैंडल है आपके लिए जो आप इजिली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कंप्रेसर है कॉपलैंड का जिसकी वारंटी 18 मंथ्स की होती है, और इसमें व्हील्स हैं आपके जो आप इजली कैरी कर सकें मशीन एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ले जाने के लिए। और फ्राइड आइसक्रीम मशीन का जो तवा है वो आपका 3 mm मोटा है जिस पे आप आइसक्रीम रोल इजली बना सकें, और तो इसकी जो डायमेंशन है वो 36, 24 और 35 है। और आपके जो भी क्वेश्चन और सुझाव जो भी है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन नंबर के साथ लिख सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर सके और जो भी आपके इश्यू हैं वो सॉल्व कर सके। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियो देखने के लिए कमर्शियल किचन इक्विपमेंट और फ्राइड आइसक्रीम मशीन की।